निप्पाणीतील भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करा. जरार खान पठाण निप्पाणी पालिकेने या समस्येकडे लक्ष देण्याची गरज. निप्पाणीमध्ये भटक्या कुत्र्यांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढलेले असून शाळेला जाणारी मुले, संध्याकाळीच्या वेळी ट्यूशनला जाणारी मुले आणि छोटे मोठे उद्योग व्यवसाय करून रात्री उशिरा ये जा करणाऱ्या नागरिकांच्यावरती किंवा गल्लीत खेळणाऱ्या लहान मुले यांच्या जीवावरती भेदणारे प्रसंग भटक्या कुत्र्यांच्यामुळे निर्माण होत असून या कुत्र्यांचा पालिकेमार्फत बंदोबस्त करावा. या मागणीसाठी दिनांक 28 ऑक्टोबर 2024 रोजी निप्पाणी नगरपालिकेसमोर होणाऱ्या जनहित आंदोलनामध्ये निप्पाणी शहरवासियांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन मूलनिवासी नायक जरार खान पठाण यांनी माध्यमांशी बोलताना केले. ते पुढे म्हणाले, गेल्या अनेक वर्षांपासून भटक्या कुत्र्यांच्या चाव्यामुळे लहान मुले नागरिक जखमी झालेले आहेत. निप्पाणी नगरपालिकेने 2022 आणि 2023 सालामध्ये वार्षिक बजेटमध्ये मूक जनावरे संख्या नियंत्रण ठेवणे आणि रॅबिज रोग लसीकरण करणे यासाठी 3 लाख रुपये खर्च दाखवण्यात आलेला आहे. नेमका हा खर्च कुठे करण्यात आला, त्या पैशांचा नेमका काय झालं असा सवाल जरार खान यांनी उपस्थित केला. भटक्या कुत्र्याची नसबंदी करणे गरजेचे असून भटक्या कुत्र्यांचा वावर प्रत्येक नगरामध्ये वाढलेला दिसून येत आहे. या गोष्टीकडे नगरपालिका प्रशासनाचे लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आणि झोपेचे सोंग घेतलेल्या पालिकेला जाग आणण्यासाठी जनहित आंदोलन करण्यात येत आहे. यासाठी या आंदोलनामध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन जरार खान पठाण यांनी केले आहे. इस न्यूज चैनल के माध्यम से मेरे तमाम निप्पाणी के रहवासियों को यह आह्वान करना चाहता हूं कि 28/10/2024 को होने वाले जनहित आंदोलन यानी कि कुत्ते पकड़ो या फिर खुशी खाली करो, इस आंदोलन में आप सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें. साथियों, हम सब लोग जानते हैं कि दिनों दिन निप्पाणी में कुत्तों की संख्या और आवारा जानवरों की संख्या बढ़ती जा रही है और ये संख्या इस कदर बढ़ गई है कि लोगों का और छोटे बच्चों का घरों के बाहर स्कूल को जाने के लिए और ट्यूशन को जाने के लिए मुश्किल हो गया है. आए 6 महीनों में 3-4 कुत्तों के अटैक मासूम बच्चों पर हुए हैं जिसकी वजह से बच्चों की जाने जाते जाते बच गई हैं और इनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. एक महिला ने एक आवारा पशु के हमले में अपनी जान भी गंवा दी है और इसकी वजह से ट्रैफिक का भी बहुत सारा मसला हो रहा है और बहुत सारे जो लोग हैं जो रात में ज़्यादातर काम खत्म करके अपने घरों को लौटते हैं, इनके ऊपर कुत्तों के हमले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं. तो इस समस्या को रोकने के लिए कहीं ना कहीं हमारी निप्पाणी नगर पालिका, उसके अधिकारी और तमाम नगर सेवक और नगर अध्यक्ष नाकाम हुए हैं जिसका खामियाजा निप्पाणी की नगरी की जनता को भुगतना पड़ रहा है. और अगर हम लोग वक्त रहते हुए इसका विरोध नहीं किया तो हो सकता है आने वाले समय में बहुत सारे लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ सकता है या फिर इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है. साथियों, मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूँ. ये निप्पाणी नगर पालिका की 2022-23 की बजट लिस्ट है और इसके अंदर पॉइंट नंबर 30 में आप लोग देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 30 में यहां पर लिखा गया है एनिमल बर्थ कंट्रोल एंड रेबीज वैक्सीनेशन फॉर डॉग्स और इसके लिए 3 लाख रुपया रखा गया था. मगर उस अमाउंट का क्या हुआ, क्या इसका इस्तेमाल किया गया या फिर इसके नाम पर इसका गैर इस्तेमाल हुआ या फिर करप्शन हुआ है, जनता को जानकारी देना बहुत ज़रूरी है. ये लोग बजट में तो एनिमल बर्थ कंट्रोल और वैक्सीनेशन रैबिस कंट्रोल के लिए अमाउंट डाल रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं, मगर उस पैसे का सही वक्त पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है जिसकी वजह से कुत्तों की संख्या हमारे निप्पाणी शहर में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से जनता की जान को खतरा हो रहा है. तो मैं आप सब लोगों से आह्वान करता हूं कि 28 तारीख को इस जनहित आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपना विरोध दर्ज करें ताकि जो निप्पाणी नगर पालिका के अधिकारी हैं जो सोने का नाटक कर रहे हैं उनको जाग आ जाए और समय रहते हुए कुत्तों के बर्थ कंट्रोल को किया जाए और जो आवारा जानवर घूम रहे हैं उनका भी बंदोबस्त किया जाए. आप सब लोग इस आंदोलन में
शामिल होंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे, ऐसी अपेक्षा करता हूं। और जो गैर कारोबार हो रहा है निपानी नगर पालिका में, इसके माध्यम से इसको भी रोकने में आप सब लोग अपना सहयोग देंगे, ऐसी अपेक्षा करता हूं। जय मोरिया। 3 लाख रुपए ये जो 3 लाख रुपए है 2022-23 सिटी म्यूनसिपल काउंसिल निपानी हाईलाइट्स ऑफ द बजट एस्टिमेटेड फॉर द ईयर 2022-2023 हे बजेट आहे। आज प्रत्येक वर्षी बजेटमध्ये ॲनिमल बर्थ कंट्रोल आणि रॅबिस वॅक्सिनेशनसाठी अमाऊंट ठेवलं जातं। खरं त्या अमाऊंटचं काय होतं त्याचं निपाणी नगरपालिकेनं अजूनपर्यंत नागरिकांना कुठलाही सूचना दिलेली नाही आहे। खर्च तरी ही इथं दाखवलेलंच नाही आहे, खर्च ही याच्या अगोदर पण दाखवलेलं नाही आहे। ह्या पैशाचं काय झालं, कुठं वापरले गेले, ह्याचं काही जानकारी आपल्याकडं अवेलेबल नाही आहे।